सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर सिविल लाइन्स में आज जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। जनसुनवाई में प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान जनता ने अपनी समस्याओं से सीएम अशोक गहलोत को अवगत करवाया तो वहीं सीएम ने तुरंत प्रभाव से समस्याओं के समाधान करने के खास अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बता दें कि गहलोत गुरुवार को ही मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए हैं और सीएम ने शिफ्ट होते ही सीएमआर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। इसी दौरान एक मां अपनी बेटी के 10 महीने से लापता होने का मामला लेकर सीएम के सामने पहुंची तो सीएम ने तुरंत प्रभाव से मामले की जांच कर लापता का पता लगाने के अधिकारियों को खास निर्देश दिए। वहीं कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भी अपनी समस्याओं को सीएम से अवगत करवाया। लोग भी यहाँ कर्मचारी समस्याओं को लेके आए और हम जब पहुँचे तब तक मुख्यमंत्री जी ने कई लोगों से मिले और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया, पर हम लोग कुछ लेट मिले। हम लोग अधिकारियों से मिले और अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है, जैसे हमारी कर्मचारियों की सामंत कमेटी है वो 31 जून तक के समय उसको समाप्त करना और उसको जो भी निर्णय हो उसको कर्मचारियों के लिए हित में लागू करना, और प्लस जो कटौती की गई थी 2013 में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे उन्होंने जो कर्मचारियों को फायदा दिया था उसको पिछली सरकार ने जो की गई कटौती को वापस पुनः बहाल किया जाए और कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाए और वेतन विसंगतियां जो है उनको दूर की जाए। सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया है कि SBC का मैटर चल रहा है, DOB में गया हुआ है, वो क्लियर करेंगे, उसके बाद ये भर्ती क्लियर करेंगे, लेकिन ये कब तक होगा ये हमें कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है। तो इस वजह से कम 30,000 जो वैकेंसियां हैं वो अटकी हुई पड़ी है। हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस SBC के मैटर को क्लियर किया जाए। आज उम्मीद बंदी है गहलोत साहब, आज हमें गहलोत सरकार की तरफ से उम्मीद किया गया है कि हम जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देने का आश्वासन भी मिला है। प्रदेश की आमजन की समस्याओं को निपटाने के लिए जननायक अशोक गहलोत अब पूरी तरह से मोड में नजर आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के चलते जो आचार संहिता लगी हुई थी उसके चलते सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटी है सीएम अशोक गहलोत प्रदेश के आम लोगों की जन समस्याओं के निवारण के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। लगातार तमाम विभागों की बैठक करके उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। साथ ही खुद गहलोत आज से अपने जो CMR है वहाँ से जनसुनवाई की शुरुआत भी कर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है CMR पर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत अंदर तमाम जो प्रदेश भर के लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत कल ही अपने इस आवास में जो सिविल लाइन 8 जो जिसे कहा जाता है वहां पर वो शिफ्ट हुए हैं और शिफ्ट होते ही उन्होंने जो पहला एक्शन लिया है वो जनसुनवाई का लिया है। प्रदेश भर के जो लोग हैं जो अपनी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आज उन्होंने जनसुनवाई का ये जनता दरबार लगाया है ताकि प्रदेश भर के जो लोग तमाम जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं को सीएम अशोक गहलोत सुन रहे हैं। तमाम जो अधिकारी है CMO के और अन्य जो विभागों के अधिकारी है वो यहाँ पर जनसुनवाई में मौजूद है और उन समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। और जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं काफी खुश नजर आए हैं, अशोक गहलोत ने उनकी समस्याओं को सुनी और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी समस्याओं का निवारण होगा। आम जनता काफी खुश है कि जब सुबह का मुखिया उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद अपना दरबार अपना दरवाजा उनके लिए खोला हुआ है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरू का एवन TV जयपुर।